अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक लेस डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पर कॉटन थ्रेड लिए हैं, शिल्पा क्रोचेट थ्रेड। इनका मैंने फुल रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की, तो वहाँ से आप चेक ज़रूर करना। और नीडल मैंने यहाँ पर ली है 7 नंबर 0.95 mm की। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर कॉटन का दुपट्टा लिया है। आप अपने हिसाब से ये लेस डिज़ाइन ड्रेस पर भी बना सकते हैं, रुमाल पर भी बना सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर वाइट कलर का थ्रेड लेंगे और इसका बेस बना लेंगे। लास्ट दो वीडियो पहले मैंने आप लोगों को एक डिज़ाइन सिखाई थी, दुपट्टे पर बेसिक डिज़ाइन थी वो, उसे एज अ बेस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से दुपट्टे के फ्रंट साइड पर हम स्लिप नट लेकर अटैच कर लेंगे। फिर हमें लेना है 2 चैन, 1, 2, फिर जितना ये झुक रहा है वहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। फिर 2 चैन लेंगे, फिर अटैच कर लेंगे, फिर 2 चैन लेना है, फिर थोड़े गैप पर अटैच कर लेना है। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। दुपट्टा आप चारों तरफ बना रहे हैं, दो तरफ बनाना है आपको, आप अपने हिसाब से पहले इस तरीके से बेस बना ले। और ये हम यहाँ पर मुझे जितनी लेंथ बनानी है उसके हिसाब से मैं इस तरीके से बेस बना के आपको बताती हूँ। फर्स्ट लाइन मैंने इस तरीके से बेस बना लिया है, जो मैंने आप लोगों को लास्ट दो वीडियो पहले भी बताया था। अब हम आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पर येलो थ्रेड ले रही हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आपके दुपट्टे पर कलर है या आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम पहले स्लिप नट ले लेंगे। स्लिप नट लेने के बाद फर्स्ट गैप में हमें अटैच करना है। इस तरीके से अटैच करके अब हम लेंगे 5 चैन, 1, 2, 3। जो 3 चैन है वो हमारे डबल क्रोशेट का काम करेंगी और जो 2 चैन है वो हम नेक्स्ट गैप में आगे बढ़ने के लिए 2 चैन लेंगे। अब नेक्स्ट गैप में हम 1 टाइम डबल क्रोशेट ले लेंगे। इस तरीके से फिर हम लेंगे 2 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट। पता नहीं क्या हो रहा है, लाइट कम ज़्यादा हो रही है, आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। फिर हम लेंगे 2 चैन, फिर नेक्स्ट गैप में लेंगे 1 टाइम डबल क्रोचेट, 1, 2, 3। ऐसे हम टोटल 7 गैप बना लेंगे। 2 चैन लेना है और 1 टाइम डबल क्रोचेट लेना है। एंड ये लास्ट 7, हम ऐसे टोटल 7 गैप्स बना लेंगे। आप काउंट कर लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 गैप हमारे बन गए। अब हमें लेना है 7 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 चैन लेने के बाद हम टर्न लेंगे, ये एक डबल क्रोचेट हम छोड़ देंगे और नेक्स्ट डबल क्रोशेट पर हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से अब हम 1 चैन लेकर फ्रंट साइड में आ जाएंगे। पहले हम गैप में 1 अटैच कर लेंगे, उसके बाद में हम लेंगे 4 चैन। 4 चैन लेने के बाद हम नीडल पर 2 टाइम्स धागा फोल्ड करेंगे
और गैप में हम ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे। ऐसे हमें 3 times बनाना है, 4 chain लेकर 3 times हम ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे। इस तरीके से अब हम फिर से लेंगे 4 chain, फिर हम गैप में अटैच कर लेंगे, फिर नेक्स्ट अटैच एक और अटैच कर लेंगे क्योंकि हम दूसरा राउंड बना रहे हैं। इस तरीके से अब फिर से हम लेंगे 4 chain, नीडल पर धागा फोल्ड करके 3 times डबल ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे, 2 and 3। अब फिर से हम फोर चैन ले लेंगे, 1, 2, 3 and 4, फिर हम गैप में अटैच कर लेंगे इस तरीके से। फिर इसे हम एक तरफ खींच लेंगे ताकि एक और राउंड हमारा इस तरीके से बन जाए, हमें स्पेस मिल जाए। ओके, फिर हम फिर से नेक्स्ट अटैच कर लेंगे क्योंकि हम 3rd round बना रहे हैं। 4 chain लेना है और बिल्कुल इसी तरीके से 3 times हम ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेंगे। नीडल पर 2 times धागा फोल्ड करके 2 धागों में से हम बाहर आते जाएंगे, एंड लास्ट में हम फिर से 3 chain लेंगे, सॉरी 4 chain लेंगे और अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो ये कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो हमने 7 gaps यहाँ पर बनाए हैं, सेम यही गैप हम आगे भी बना लेंगे। अब आगे जाने के लिए हम फिर से 2 chain लेंगे एंड नेक्स्ट गैप में 1 time डबल क्रोचेट बना लेंगे। अब यहाँ से हमारे 7 gaps काउंट होंगे। ये 1st gap हमने बनाया, इसी तरीके से और 6 gap हम 2 2 chain लेकर बनाते जाएंगे। ये 2nd, थर्ड गैप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। 7 gaps बनने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से फिर से हम 7 chain ले लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये एक गैप छोड़कर, ये वाला एक डबल क्रोचेट छोड़कर, मतलब 2 gap छोड़ना है और अटैच कर लेना है। फिर 1 chain लेकर हम टर्न ले लेंगे और फ्रंट साइड में अटैच कर लेंगे। अब बिल्कुल इसी तरीके से 4 chain लेना है और 3 times ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बना लेना है। तो हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, अब फिर से 4 chain ले लेंगे और अटैच कर लेंगे। फिर नेक्स्ट अटैच करना है, फिर से लेनी है 4 chain और गैप में 3 times ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। फिर लेंगे 4 chain एंड अटैच, सेम एक और अटैच कर लेंगे, थोड़ा सा खींच कर स्पेस ले लेंगे ताकि 3rd round हम बना सकें। अब फिर से 4 chain लेनी है एंड गैप में
थ्री टाइम्स ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाएंगे। अब लेंगे फोर चेन एंड गैप में अटैच। फिर आगे बढ़ने के लिए हम टू चेन लेंगे और नेक्स्ट गैप में वन टाइम डबल क्रोचेट। अब इस तरीके से फिर से हम ये सेवन गैप्स कंप्लीट करेंगे और फिर सेवन गैप्स कंप्लीट करने के बाद फिर से इस तरीके से एक फ्लावर बना लेंगे और ये लाइन भी हम पूरे दुपट्टे पर इसी तरीके से फॉलो करते जाएंगे। जब ये लाइन आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में हम आगे की डिज़ाइन फॉलो करेंगे। गाइस जैसे जैसे आप इसे बनाते जाओगे इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखता जाएगा और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैंने यहाँ पर कुछ थ्रेड्स लिए हैं डिफरेंट कलर के, जो अब मैं यहाँ पर इस पर डिज़ाइन बनाऊँगी। सो पहले मैंने यहीं तक बनाया है और धागा मैंने कट नहीं किया है क्योंकि मुझे आगे इसे कंटिन्यू करना है। मैं आपको यहाँ तक ही ये चार फ्लावर्स कंप्लीट करके बताती हूँ कि किस तरीके से करना है। पहले हम ग्रीन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्लिप नट ले लेंगे, स्लिप नट लेने के बाद इसके बैक साइड में ये जो गैप है यहाँ से हम नीडल डालेंगे और ऊपर से हम धागा लेते हुए इसे अंदर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे। अब हम लेंगे 10 चेन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 चेन लेनी है हमें। अब ये जो सेकेंड हमारा राउंड है उसके बीच में हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से ये चेन ऐसे ही रहेगी इस तरीके से। अब हम फिर से 10 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर ये जो दो राउंड्स हैं उनके बीच में हम अटैच कर लेंगे इस तरीके से। अब फिर से हम 10 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फिर से हम थर्ड अटैच कर लेंगे। ये जो तीन राउंड हमने बनाए हैं इस पर हम तीन बार 10-10 चेन लेकर अटैच कर लेंगे। अब हम इसके फ्रंट साइड में आ जाएंगे। बैक साइड से हमने स्टार्ट किया था, ये देखें। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये जो 10 चेन ली थी उस पर हम पहले अटैच कर लेंगे इस तरीके से ताकि हम फ्रंट साइड में आ जाएं। अटैच करने के बाद अब हमें लेना है 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 चेन लेने के बाद गैप में अटैच कर लेंगे। फिर हम लेंगे 5 चेन, 1, 2, 3, 4, 5 फिर हम करेंगे गैप में अटैच। तो ये कुछ इस तरीके से राउंड्स बनते जाएंगे। ये दो राउंड्स हमने बना लिए हैं। अब थर्ड राउंड के लिए हम फिर से 5 चेन लेंगे, फिर से अटैच कर लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, फिर अटैच कर लेंगे। इस तरीके से टोटल हमें 5 टाइम राउंड्स बना लेने हैं। एक गैप में हम 5 टाइम्स इस तरीके से राउंड्स बनाएंगे, ये देखें ऐसे। अब डायरेक्टली हम नेक्स्ट गैप में, जो नेक्स्ट ये 10 चेन हमने ली थी उसमें अटैच करेंगे। फिर हम लेंगे 5 चेन,
फिर अटैच करेंगे। फिर 5 चैन लेंगे, फिर अटैच करेंगे। फिर हम 5 चैन लेंगे, अटैच कर लेंगे। फाइव चैन अटैच, ऐसे एक गैप में हम 5-5 टाइम बना लेंगे, 5 चैन और ये अटैच। तो ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड राउंड के लिए हम डायरेक्टली थर्ड गैप में 10 चैन के गैप में अटैच करेंगे पहले, और फिर यहाँ से हम 10 फॉलो करेंगे। इस तरीके से ये थर्ड राउंड भी हम बना लेंगे। 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इस तरीके से हमने तीनों राउंड्स पर बना लिए। अब यहाँ पर हमें धागा कट करना है। ये जो हमने अटैच करके स्टार्ट किया था वो धागा है, और यहाँ पर अब हम 2 चैन ले लेंगे एक्स्ट्रा और धागा कट कर लेंगे। अब इस तरीके से बाहर निकाल कर इसे लॉक कर लेंगे, और ये जो 2 एक्स्ट्रा धागे हैं इन्हें हम बैक साइड में खींच कर अंदर की तरफ लॉक कर लेंगे, ताकि ये फ्रंट साइड से दिखे ना। इस तरीके से, और फिर जो धागे बच जाएंगे उसे आप कट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप हर फ्लावर के ऊपर सेम कलर से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर्स यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे दुपट्टे में बहुत सारे शेड्स हैं। आप अपने हिसाब से सेम कलर या डिफरेंट कलर यूज़ कर सकते हैं, और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब सेकेंड राउंड पर मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगी या पिंक कलर यूज़ करूँगी, जो भी आपके दुपट्टे पर कलर है वो आप यूज़ करें। और ये देखें, ये कुछ ऐसे दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लुक देता है। अब मैं इसे जब डिफरेंट कलर से बनाते जाऊंगी तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैं आपको ये चारों भी फ्लावर कंप्लीट करके ऐसे बताती हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर एक ग्रीन, एक ऑरेंज, फिर एक ग्रीन और फिर एक ऑरेंज, इस तरीके से मैं कंटिन्यू करूँगी ये लेस डिज़ाइन। सो इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा और यूनिक डिज़ाइन है ये, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। सैम्पल पीस तो ज़रूर बना कर रखें, अगर आप नहीं भी बनाना चाहते दुपट्टे पर तो। सो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ या जो भी क्रोशेट लवर्स हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखेगा। नेक्स्ट वीडियो में आप कोई लेस डिज़ाइन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम की, वहाँ पर आप DM करके मुझे पिक सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर सकूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइज।